हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब की वीडियो पर मल्टीपल एड्स कैसे लगा सकते हो क्रिएटर स्टूडियो के बीटा वर्जन के द्वारा, या आप नॉन स्किपेबल ऐड अपनी वीडियो पर कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है, अनेबल हो जाता है, या यूट्यूब की तरफ से आपका चैनल अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपनी सभी वीडियो पर आपको मैनुअली ही मोनेटाइजेशन एड्स ऑन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम अपने फोन में ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार में आपको यूट्यूब सर्च करना है और अपने अकाउंट से आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो गया। उसके बाद आपको अपने क्रोम के थ्री डॉट कॉर्नर में क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसे करने से क्या होगा, जो आपका स्क्रीन है वो कंप्यूटर के जैसा शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं बीटा वर्जन के। तो सिंपली आपको थोड़ा सा इसको स्लाइड करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो का। सिंपली आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस मल्टीपल ऐड लगानी है आपको वो वीडियो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों, तो जैसे कि आपको इस वीडियो पर मल्टीपल ऐड लगाने हैं या इस वीडियो पर आपको मोनेटाइजेशन ऐड ऑन करनी है, सिंपली आपको इसके टाइटल पर आपको सिंपली इस पर टैप करना है, मतलब क्लिक करना है। सिंपली आपकी जो है उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं बीटा वर्जन के। सिंपली आपको थोड़ा सा इसको नीचे करना है, नीचे की तरफ। उसके बाद आपको एक यहाँ पर डॉलर का साइन मिलता है। सिंपली आपको ये मोनेटाइजेशन का ऐड का साइन होता है, वैसे डॉलर का भी होता है, मोनेटाइजेशन के नाम से इसको यहाँ पर यूट्यूब में शो किया जाता है क्रिएटर स्टूडियो में। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ऐड यहाँ पर शो हो गई। उसके बाद अगर आप न्यू यूट्यूबर तो आपको सभी अपनी जो वीडियो में एड्स ऐसे इस प्रकार से आपको ऑन करनी पड़ेंगी। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी ये ऐड है, ये आपकी जो तीन ऐड होती हैं, ये आपको अपने वीडियो पर लगानी पड़ती हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्किपेबल ऐड या नॉन स्किपेबल ऐड यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्किपेबल ऐड लगाई हुई है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर नॉन स्किपेबल ऐड क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि दोस्तों ये ऐड आपकी लगती है, आपकी जो वीडियो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो वीडियो है वो 10 मिनट से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपकी जो नॉन स्किपेबल ऐड यहाँ पर लगेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो में जो मेरे 10 मिनट से ऊपर है। तो सिंपली आपको उसके बाद क्या कर देना है, दोस्तों यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सेव कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर, अभी तो मेरा ये मोनेटाइजेशन जो है मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ पर सेव है, तो इसलिए यहाँ पर जो सेव का बटन है वो अभी साइलेंस के हिसाब से शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी 10 मिनट से ऊपर की वीडियो है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक वीडियो है 10 मिनट से ऊपर की। तो मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कौन सी 10 मिनट से ऊपर है। जैसे कि दोस्तों, ये वीडियो मेरी है 14 मिनट की, आप देख रहे हो। सिंपली मुझे इसके टाइटल पर क्लिक करना है, यहाँ पर YouTube चैनल मोनेटाइजेशन अनेबल, ये टाइटल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपली आपको टाइटल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी वीडियो यहाँ पर थोड़ी देर बाद में शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मिलता है डॉलर का। सिंपली आपको डॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पर आपकी एड्स अब इस वीडियो पर शो हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको नॉन स्किपेबल एड्स का। सिंपली आप जैसे भी टिक करते हो तो सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्यूरिंग वीडियो का। सिंपली आप जिस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ मैनेज इन एडिटर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आपका जो नॉन स्किपेबल हेड है आप यहाँ लगा सकते हो। आपको यहाँ पर एक एरो का निशान मिलेगा, यहाँ पर एक ये वाला। सिंपली आपको इसको क्या करना है, अपने हाथों से इसको ड्रैग करना है जितने मिनट पे आपको इसको लगाना है। दोस्तों आपके सामने ऊपर टाइम भी शो होता है कि आप कितने मिनट पर यहाँ पर लगा रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम शो होता रहता है। तो सिंपली आप इसे पहले हम लगाते हैं इसे 1:46 पर हमने इसके रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ब्रेक का, सिंपली आपको ऐड ब्रेक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऐड यहाँ पर आपकी लग चुकी है, यहाँ पर जो है आपका ब्लू कलर का साइन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आपको दोबारा से इसको आगे ट्रैक करना है इस एरो को, और जहाँ भी आपको रखना है 4 मिनट पे या 2 मिनट पे, इसके बाद सिंपली आपको थोड़ा डिस्टेंस करके इसको आपको रखना है। उसके बाद दोबारा आपको ऐड ब्रेक पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो ऐड आपकी पुट हो जाएगी। उसके बाद आपको जैसे ये 1 मिनट पे, ये 4 मिनट लगाया था, उसके बाद आप इसे 5 मिनट के बाद आप इसे रख सकते हो। दोबारा से आपको ऐड ब्रेक पर क्लिक करना है, वो ऐड यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देन आपको 3-4 ऐड इसमें लगा देनी है जो आपकी 10 मिनट से ऊपर वीडियो है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो है ऐड लग चुकी है, और सिंपली उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।